शहर में नगर निगम द्वारा पुरानी जर्जर इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आज जब नगर निगम की टीम राउजी बाजार थाना क्षेत्र में स्थित एक जर्जर मकान पर कार्रवाई करने पहुंची, तो इस मकान में रहने वाले 15 से 20 किरायेदारों ने इसका जमकर विरोध किया और निगम की कार्रवाई को रोकने की भी पुरजोर कोशिश करी। इस दौरान किरायेदारों और पुलिस के बीच में काफी झड़प भी दिखाई दी। यह मामला इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां निगम की टीम 80 सालों से भी पुराने एक जर्जर मकान पर कार्रवाई करने पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक यह मकान मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के रिश्तेदार गोविंद वर्मा का है और पिछले कई सालों से यहां पर सिर्फ किरायेदार ही रहते हैं। इन्हीं 15 से 20 किरायेदारों ने निगम की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हुए पुलिस से भी काफी बहसबाजी की। तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भी घटनास्थल पर पुलिस बल बढ़ा दिया और सीएसपी और एसडीएम भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हालांकि घटनास्थल पर लोगों की नारेबाजी अभी भी जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता सचिन जी से। मैम, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया, उसका नियंत्रण कर लिया है। जो भी किरायेदार थे मकान में चले गए थे, इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने बल प्रयोग किया और उन्हें बाहर निकाला और उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया है। अब निगम की टीम मकान के अंदर घुस कर जो भी सामान रखा है उसे बाहर निकाल रही है और आगे की कार्रवाई मकान तोड़ने की वो शुरू करेगी। जी, ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 15 से 20 किरायेदार थे जो जमकर वहाँ विरोध कर रहे थे। हाँ मैम, यहाँ करीब 15 से 20 परिवार रहता था सालों से जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, जिसमें महिला पुरुष और बच्चे भी थे। किरायेदारों ने पत्थर भी फेंकने की कोशिश की और इस दौरान उपायुक्त महेंद्र सिंह जी से किरायेदारों का काफी विवाद भी हुआ। इस तनाव की स्थिति को देखते हुए मतलब पुलिस ने क्या कड़े कदम उठाए थे? मैम, जब शुरू में यह कार्रवाई करने पुलिस निगम की टीम आई थी, तब काफी कम संख्या में उनके पास पुलिस बल था, पर जिस प्रकार किरायेदार लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा था, उसको देखकर पुलिस बल बढ़ाया गया, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे इस घटना। मैम, यहाँ पे एसपी कैलाश माली जी, सीएसपी और एसडीएम मैम अभी भी मौके पर ही मौजूद हैं इस कार्रवाई को लेकर। जो अभी उनके ये बताया जा रहा है कि काफी पुराना जर्जर मकान था जिस पर कार्रवाई पहुंची। हाँ, ये करीब 70 से 80 साल पुराना मकान जर्जर हो चुका है यह मकान, और जो निगम की अभी बारिश को देखते हुए जर्जर मकानों की जो कार्रवाई की जा रही है, उसी कड़ी में इस मकान पे भी क्या कार्रवाई की जानी है। तो ये कार्रवाई करने से पहले निगम द्वारा कोई सूचना दी गई थी? हाँ मैम, ऐसा बताया जा रहा है वापसी जो यहाँ रह रहे थे 7 साल से, कि हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जबकि निगम वाले कह रहे हैं कि हम इन्हें पहले इंतजार कर चुके थे, बट उनका कहना कि ये कोई रात में आया और एक नोटिस चस्पा कर से अच्छा लगाया, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, और ये सुबह हमें नोटिस दिखा रहे थे कि ये नोटिस देखिए। ओके, तो अभी मौके पर क्या हाल है? अभी भी नारेबाजी जारी है या सब शांत करा दिया गया है? मैम, पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है पुलिस ने और निगम की टीम अपनी कार्रवाई में लग गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।